Hello everyone, welcome back to SSC Marathon. A man borrows 21,000 at a 10% compound interest. How much he has to pay annually at the end of each year to settle his loan in 2 years? अतः सर एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? पी अपॉन 100 अपॉन 100 प्लस आर प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर इसका होल स्क्वायर. तो ये ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो जाता है. तो जहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ 21,000, ठीक है, और यहाँ पे आर के वैल्यू कितना दिया हुआ सर? 10% है. तो 10/11 प्लस 10/11 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो एक 10/11 कॉमन ले लेता तो कितना आता सर? 10/11 कॉमन ले लिए तो यहाँ से आता 10/11 प्लस 1, मतलब 21/11, ठीक है. ये नीचे आ जा रहा है तो 10/11 इंटू 21/11, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10/11 इंटू 21/11. तो 11 ऊपर चल जा रहा है, 2 11 तो मतलब 121 ऊपर चल गया, तो 21 21 कट गया, तो 10 10 कट गया, तो कितना आएगा? 121 और 20 मतलब कितना होता है सर? 121 00 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास.